हाय गाइस, लास्ट वाले वीडियो में मैंने शॉकअप से डाला था, लेकिन क्या करे, मैं 2 दिन से गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन गाड़ी मेरी बराबर नहीं चल रही है। शॉकअप का मुझे अब भी इशू लग रहा है, क्योंकि वो शॉकअप सर से मेरी गाड़ी पटक रही है और मेरे कमर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे हाथ की कलाइयाँ दर्द कर रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आज जाके मैं नया शॉकअप सर दिखा के, क्योंकि मैंने 3 बार उसके पास रिप्लेसमेंट लिया है वो शॉकअप सर का, तो भर के लिया था। तो भर के शॉकअप सर आप लोगे कोई भी गैरेज वाले के पास से तो ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि शॉकअप सर में भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो शॉकअप सर आपको बना के देते हैं, लेकिन वो शॉकअप सर में ना बहुत सारे इशू रहते हैं, वो शॉकअप सर आपका नहीं चल पाता है उतना। तो आप एक काम कीजिए, शॉकअप सर भर के लेने से अच्छा शॉकअप सर है ना नया ही डालना, बहुत अच्छी बात है भाई, डालना ही है। और गाड़ी का सेल्फ में भी थोड़ा इशू हो रहा है, क्योंकि मैंने कल रात को ही देखा था, अभी मैं मॉर्निंग में जाके वो कर लूँगा। अभी संदीप भाई के गैरेज में और संदीप भाई को मिलने वाले हैं कि भाई अपना शॉकअप सर खोलना है, अभी कुछ भी करो लेकिन भाई अपने को गाड़ी एकदम ओके चाहिए, सही है ना। तो चलिए भाई, हम आए संदीप भाई के गैरेज में, संदीप भाई को पूछते हैं कि भाई अभी शॉकअप सर अपने को डालना है और अपने को स्टार्टर का जो काम है वो पूरा करना है, बराबर संदीप भाई। अभी डालने के बाद अपन देखते हैं कैसा, क्या फ्री हो जाएगा मेरा गाड़ी, एकदम फ्री हो जाएगा आपकी गाड़ी, फ्री हो जाएगी। और ये जो शॉकअप सर है आपका, आपने 3 बार तो रिपेयर कर चुके हैं, तो इसे अपने को अभी नया डालना पड़ेगा। और जो रहा स्टार्टर का काम, उसे अपन जुगाड़ से चला देंगे, जुगाड़ से चला देंगे, ठीक है भाई। वो जुगाड़ से चलाएंगे, देखेंगे अपन कैसा जुगाड़ है, क्योंकि एक्सपीरियंस इन्होंने PhD किया हुआ है, मैकेनिक के रिजम में इन्होंने PhD किया होता है। अभी इनको देखते हैं अपन किस तरीके से ये अपना गाड़ी का काम करते हैं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये अभी गाड़ी उठाने वाला है, तो मुझे भी नहीं पता, पहली बारी मैं अपने गाड़ी का शॉकअप सर, ये संदीप भाई गैरेज मैकेनिक, हमारे जो मैकेनिक है, कल लास्ट वाले वीडियो ने आपने देखा था ये गाड़ी कैसे उठाते हैं, अभी इनको ही पता। ये भाई है पहलवान है, अभी ये एक झटके में ये गाड़ी उठाने वाले, वही हम देखते हैं, क्योंकि फोस्टा गाड़ी बहुत वजन रहता है, देखो मुझे भी नहीं उठता है गाड़ी, मैं पहलवान रह के, लेकिन ये संदीप भाई का आइडिया है, टेक्नीशियन है इतने साल से, उनको पता है कैसे उठाया जाता है। आता ये नट टायर अच्छी खोला लगना है अपने अशी अशा पद्धति ने टायर साइड ला काड़ून ये शॉकअप का नट इधर अंदर तक रहता है, यहाँ से वो खोलने के लिए पाना भी वैसा रहता है आड़ा टेढ़ा। हाँ कहाँ पे, अच्छा ये काका क्या सीनियर मैकेनिक भी बाजू में बैठे हैं, मतलब इनके गुरु, और ये संदीप भाई, और संदीप भाई के जूनियर भी है यहाँ पे खड़े हैं। हाँ, और ये अपना गाड़ी का काम चालू है। तो भाई ऑटो मैकेनिक, ऑटो ड्राइवर, जरा देख लेना वीडियो किस तरीके से काम हो रहा है, और मैकेनिक के लिए नंबर तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आपकी गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप सीधा वो नंबर डायल कीजिए, मैकेनिक आपकी गाड़ी के पास आ जाएगा। टोचन मार के भी लेके आ सकते हैं, टोचन अगर गाड़ी में मेजर प्रॉब्लम है, जगह पे नहीं हो रहा है, तो टोचन मार के भी लेके आते हैं। कल तो देखा ही होगा, एक गाड़ी का इंजन स्विच था, हमने वो वीडियो में डाला था, तो उसको हमने टोचन करके लेके आए थे। ये बजाज का ओरिजिनल शॉकअप सर है, और ये संदीप भाई दिखा रहे हैं उसको लेने के बाद कैसा टाइट किया जाता है और कैसे लगाया जाता है, जरा ध्यान से देखिए। जिनकी नई गाड़ी होगी, अगर शॉकअप गया होगा तो उनको पता नहीं रहता है कि भाई शॉकअप सर नया लिया वैसे ही घुसा देते। टाइट है क्या, देव टाइट है नट, आता बराबर पंच करेल ना गाड़ी, बाद में बात करेंगे, पहले अपना काम होएगा। काम अभी होने को आया है, अभी बस शॉकअप टाइट कर दिया ऊपर नीचे, टायर लगा के अपन एक ट्रायल लेंगे। अभी ड्रम खोला है तो थोड़ा वो ड्रम भी खोल के जरा पॉलिश मार दो जरा, क्योंकि क्या है ना वो साला खड़कुर खड़कुर आवाज़ करता है, वो जभी तभी खच 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 आवाज़ आता है, जरा ड्रम में अंदर
ब्रेक पैड भी जरा साफ करके देखना, गया भी है क्या, क्योंकि क्या शोरूम का माल है तभी से हमने देखा ही नहीं उसमें। ओके, खूब जाम झाला आहे कारण गाडी घेतल्यापासून आता 65-70 हजार किलोमीटर चालायला आले, ते कधी खोललंच नाही, फक्त पाठीमागचे आपण ब्रेक पॅड 2 वेळा चेंज केले, पण पुढचा ब्रेक पॅड आपण चेंज केलाच नाही कारण तो जास्त यूज होत नाही। आता त्या पावसामुळे जॅम पण झाला असेल काय सांगता येत नाही, तरी आपण आपला सॉकअप सरचा प्रॉब्लेम होतो म्हणून आपण खोलून एकदा आपलं मनाचं समाधान करून घ्यावं। आणि आपण संदीप भाऊ आपले ते आता खोलतात, ते खूप जाम खुलते म्हणजे ते जरा फॉल्ट असेलच त्याचा काही ना काही, आता खोलल्यानंतरच माहिती पडेल। तर संदीप भाऊ प्रयत्न करतात त्यांच्या परीने, तर तुम्ही बघत आहे कशा पद्धतीने ते उघडायचा प्रयत्न करत आहे कारण ते खूपच जाम आहे, कदाचित ब्रेक पॅड पूर्ण खराब पण झाली असेल पावसामुळे, तर खोलल्यानंतरच आपल्याला माहिती पडेल। टाकून झालेलं आहे आणि आता आपण ब्रेक पॅड तर हो डेंजर, ब्रेक पॅड आपले गेलेले आहेत, हार्ड झाले, आता ब्रेक पॅड चेंज करायला लागणार आहे संदीप भाऊ। हां, चेंज करायला लागेल, 2 वर्ष झाले ना चालू गाडी। अच्छा, टाकावं लागणार ब्रेक पॅड, एकदम कामातून केले। ओके, मी घेऊन येतो। ये हो गया अपना ब्रेक का काम पूरा। स्टार्टर खोल के देखते हैं क्योंकि गाड़ी सुबह सुबह बहुत तकलीफ दे रहा है स्टार्ट होने में, तो स्टार्टर का हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा उसका मटेरियल डाला था लेकिन अभी खोलने के बाद ही पता चलेगा अपना क्या इश्यू है। आता स्टार्टर खोलून बघत आहे आणि स्टार्टर मध्ये काय प्रॉब्लम झालेला आहे ते संदीप भाऊ आता आपल्याला दाखवणार आहे खोलून। खरोखर स्टार्टरचा प्रॉब्लेम आहे का फ्लायव्हीलचा प्रॉब्लेम आहे तर ते आपल्याला पूर्ण चेक केल्यानंतरच सांगणार, असं वर्बली त्यांना आवाजाने कळतं कारण त्यांनी याच्यात PhD केलेली आहे। गाडीच्या आवाजावरून ते ओळखतात की गाडीचा काय प्रॉब्लेम झालेला आहे कारण त्याच्यामध्ये त्यांनी PhD केलेली आहे। तरी पण आपण एकदा आपला विश्वास आहे, आपला विश्वास पटायला पाहिजे म्हणून ते आपल्याला खोलून पण दाखवत आहे की खरोखर त्या स्टार्टरमध्ये प्रॉब्लेम झालेला आहे का नाही। दोनों भी मार खाया आजकल का, ये भी बोलो इसका फ्लाईव्हील और पेंटेक्स दोनों भी हल्का हल्का क्या है, अभी इसे अपन जुगाड़ से चलाएंगे और कुछ भी चलेगा। अभी हमारा गाड़ी का काम कर दिया है संदीप भाई ने, अभी हम उन्हीं से पूछते हैं कि भाई उनको अपने तरफ से कुछ सेवा कुछ चाहिए क्या। अब आपका काम तो हो गया एक नंबर एकदम। अच्छा, आगे से वर्किंग भी एकदम अच्छे से हो रहा है। हाँ, और स्टार्टर भी आपका जुगाड़ लगा दिए तो चल रहे हैं अभी फर्स्ट क्लास। सही में, अब चलते एक चुस्की वाली चाय लेते हैं। हाँ, उसके बाद में आगे। ओके ओके, अभी चुस्की वाली चाय पीना इनको, चलिए आते मिलते चुस्की वाली चाय पे। ये सॉकअप सर हमने रिपेयर भी किया था, 3 बार इसको रिपेयर किया था, इसका कुछ इश्यू है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो इसके ये जो कैब है, ये ऐसे सॉकअप सर लगता है, इसके बीच में जो ये कैब है ना, ये कैब का इश्यू है, ये हाइट स्प्रिंग डाला था 300 रुपये में, ये कैब जो है इधर टच हो रहा है बीच में, ये दिख रहा है गैप में, यहाँ पर यह टच हो रहा है इसीलिए इसका आवाज़ आ रहा है और इसके पटकने से अपना कलाई वगैरह मेरा दर्द कर रहा है। तो ठीक है, अभी ये सॉकअप सर हमने डाल दिया है, अभी देखते हैं अपना गाड़ी कैसे चलता है क्या है, ट्रायल व्हील भी लेंगे, सेल्फ का अभी काम कर रहे हैं देखते हैं। अंकल उस दिन उनका गाड़ी का काम था, वो अंकल भी साथ में है, लेकिन अभी ये क्या है ब्लू में जरा वीडियो अच्छा नहीं दिख रहा है, अपन वहाँ रुक के जरा वीडियो बनाते चाय वाले के पास, चलिए चुस्की वाली चाय पी के आते। ऑटो वहाँ पे खड़ी है, ये संदीप भाई है पानी पी रहे हैं और ये अंकल है और ये हमारे काका है उस दिन वाले, देखो इनका गाड़ी स्विच इंजन लॉक हो गया था वो, और हम आए यहाँ पे पंडरपुरी चाय, और ये पंडरपुरी चाय के मालक माजीवाड़ा में, और ये खुद चाय हाथ से बनाते, देखिए कैसे बनाते, कितना दूध है कितना पानी है। पानी नहीं इसमें, पानी नहीं खाली दूध है। दूध है खाली, दूध है इधर देखो खाली दूध है, क्या पानी डाला है? पानी नहीं डालते।
पानी नहीं डालते, पंडरपुरी चाय में पानी नहीं जाता है नहीं। अच्छा तो ठीक है, फटाफट हमको अभी चार चाय दे दो। और संदीप भाई क्या बोलना चाहते हैं फिर? अभी चुस्की वाली एक चाय। अरे उस दिन भी आपने चाय के बाद ही बोला था, आज चाय काम तो आपके हो गए हैं पूरे। हाँ एक नंबर बराबर है आपका, लेकिन कुछ बोलोगी कि नहीं? अरे यार तुमको चाय पिलाने लेके आया हूँ क्या, आज कुछ खबर है कि नहीं कुछ? आज आपको चाय पिलाता हूँ, एक नंबर वाली गर्मा गर्म चाय। अच्छा चुस्की लेके। ओके चलिए, आजचा आपला शूट पूर्ण झालेला आहे। तर आमचे संदीप भाऊ आता चहा पिऊन निघालेले आहेत, आता सगळे आम्ही चाललोय त्यांच्या गॅरेजला त्यांना सोडून आपण आपल्या आता घरी निघून जाणार आहे, कारण आपलं काम तर झालेलं आहे। गाडीचे ट्रायल पण आपण घेतले, गाडी आता पूर्णपणे व्यवस्थित आहे। तर बघूया आता गाडी कशी चालते, मग पुढं आहेच आपलं गॅरेज तर आपलं घरचंच आहे, कधीतरी यायचंच आहे, काय निघालं काम तर आपण येऊ। आता ही आपली पंढरपुरी चहा इथं आपण स्टॉलवर आहे, यांचं तर व्हिडिओ शूट पण झालेलं आहे आता सगळं। ओके आपले काका पण बोलतात ते चला आता घरी, लय उशीर झाला आपल्याला, तर आपण आता घरी निघूया। ओके चला धन्यवाद।